सब्सक्राइब करें प्राइम लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट कॉम्पिटेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्राइम लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। खास कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपको कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम था हरियाणा कंडक्टर वाला 17 सितंबर को, उसके सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक क्वेश्चन में मैंने बताया था गलती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्वेश्चन क्या वाकई में गलती है, क्या गवर्नमेंट ने उस क्वेश्चन में वाकई में गलती की है। तो चलिए उस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो वो क्वेश्चन जो दोस्तों वो क्वेश्चन नंबर 85 है जिसमें पूछा गया है ए बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन वन आवर व्हाइल इट कम्स बैक इन वन आवर इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर। मतलब एक नौका धारा की दिशा में एक घंटे में निश्चित दूरी तय करता है, वह एक घंटे में वापस आती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका की शांत पानी में गति क्या होगी, जिसके चार ऑप्शन है 14 किलोमीटर, 13 किलोमीटर प्रति घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं इसका इक्वेशन बनाता हूँ। मान लेते हैं नाव की स्पीड एक्स है ठहरे हुए पानी में, तो नाव की स्पीड जो है वो डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस 3 हो जाएगी और नाव की स्पीड अप स्ट्रीम में एक्स माइनस 3 हो जाएगी कि उल्टे डायरेक्शन में है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों जितना दूरी वो आता है उतना दूरी वो वापस चलता है, यानी कि दोनों की दूरी बराबर होगी। तो ये स्पीड दे रखा है और दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, और टाइम हमारा दोनों में दे रखा है एक घंटा, तो इंटू वन आवर इज इक्वल टू। तो दोस्तों इसके जाने की स्पीड को एक घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया और आने की स्पीड को एक घंटे से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। और जब स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया तो यानी कि दोनों की दूरी बराबर होगी। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से आएगा एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स। अगर एक्स और एक्स दोनों कट ही जाएगा तो नाव की स्पीड क्या होगी। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन में गलती कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें है ही नहीं और इसका आंसर निकल नहीं सकता। अब देखते हैं दोस्तों इसका ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल का। अगर आपके पास बुक है तो वहां पे आप बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है उस चैप्टर पे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया हुआ है। अगर आपने इस क्वेश्चन को देख लिया तो आप इसके सॉल्यूशन को भी देख सकते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन में इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसके उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं यहीं पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ए बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन वन आवर व्हाइल इट कम बैक इन वन होल वन इज टू, यानी कि डेढ़ घंटे में। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी 3 किलोमीटर पर आवर व्हाट बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। ऑप्शंस 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। अगर दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ई उस क्वेश्चन में दिया जाता तो आप वहां पे नन ऑफ दिस कर सकते थे, लेकिन ये ऑप्शन वहां दिया नहीं गया है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी देखते हैं हम दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि बोट का स्पीड एक्स किलोमीटर प्रति घंटा ठहरे हुए पानी में, तो उसका डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है एक्स प्लस 3 और अप स्ट्रीम स्पीड जो एक्स माइनस 3 होगा और दोनों की दूरी आने की दूरी और जाने की दूरी बराबर एक्स प्लस 3 स्पीड इंटू टाइम दूरी होता है। एक्स प्लस 3 स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। दूसरे का जो डिस्टेंस है वो एक्स माइनस 3 3/2 कहां से आया दोस्तों। इसका जो टाइम है वो वन होल वन इज टू टू आवर देने की डेढ़ घंटे दिया, तो डेढ़ घंटे का जो लिख सकते हैं वो 3/2 लिख सकते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 15 आएगी, इसका राइट आंसर है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों आप मेरे बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको इस गलत क्वेश्चन का या बाय मिस्टेक क्वेश्चन का बोनस नंबर आपको मिल सके। तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर तो करना बनता ही दोस्तों, और कमेंट भी जरूर करें अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है, यदि आपको लगता है कि नहीं मैंने गलत बताया हो या फिर कोई और कमेंट जरूर करें दोस्तों अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन है या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है या कुछ और बताया जा सकता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।